तो कैसा घराना है देखो घराना। ज़ैनब से कर्बला का जरा माजरा सुनो। पानी को हम तमाम अम्मा तरस के रह। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में हर साल की तरह इस बार भी अरबाइन का जुलूस बड़े पैमाने पर आला पैमाने पर बरामद हुआ। मस्जिद अस्करी से लेकर शिया कब्रस्तान तक जुलूस का अहतमाम किया गया। शिया मुसलमानों ने आज़ादारी मातम करते हुए नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन और दीगर शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। अंजुमन इमामिया के सदर सैयद जामिन रजा ने अरबाइन की अहमियत पर रोशनी डालते हुए हर साल बेंगलुरु में बरामद होने वाले जुलूस और मजालिस की तफसीलात फराहम की। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। सकीना का पानी बहता है, खेमों में प्यासों का महशर बरपा है, खेमों में प्यासों का महशर बरपा है। पानी को हम तमाम अम्मा तरस के रह गए, पानी को हम तमाम अम्मा तरस के रह गए, पानी को हम तमाम अम्मा दिया ना हमको किसी ने भी एक जाम, अम्मा हमारे मरते तहाते हो गए, अम्मा नहा के खून में बेचारे सो गए। कहती है अम्मा की उम्मत ने की दवा, अम्मा हमारे खून को समझे है सब रवा। कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, ज़ैनब से कर्बला का जरा माजरा सुनो, ज़ैनब से कर्बला का जरा सुनो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है मुहर्रम की 10 तारीख जो है रसूल खुदा के इमाम हुसैन उनके सारे साथी 71 और इमाम हुसैन मिला के 72 लोगों को शहीद कर दिया। इसके बाद असले आशूर जो है खैद करके कर्बला मतलब नजफ है अशरफ वहां से कर्बला से नजफ लेके गए, कूफा उस जमाने में बायत कूफा लेके गए, कूफे से सीरिया सीरिया लेके गए जहाँ पर यजीद की सल्तनत थी, वहां पर उनको जो है खैद मिलते एक रिवायत के हिसाब से है चंद दिन के लिए खैद किए थे, कुछ रिवायत के हिसाब से एक साल तक खैद करे जो उनके खानदान वालों जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 40वां नहीं किए थे, जिसे अरबी अरबाइन कहते हैं, आज वो अरबी वर्ड है अरबाइन, तो 40 दिन की जो फातिहा है जो ऐसी जो है एक साल के बाद रिवायत के हिसाब से उसी साल उनको जो है खैद से रिहा किया, तो वहां से उनका काफिला जो है कर्बला मोहल्ला पहुंचा अरबाइन करने के लिए, तो पैदल वहां से जो है कर्बला की तरफ गए और वहां पर जो है फतेह खानी कुरान खानी और जो भी उनके वारिसदार थे उनके कब्रों पे जो है उनके बहन खासकर ज़ैनब और बेटे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कब्रों पे जाके उनके फातह को याद करके फिर वहां से उनका काफिला मदीना गया। इस दौरान में जो है जो पैदल चल के आए शाम से और कूफे से उसकी इसी तरह से आज करोड़ों के लोग जो अजफ अशरफ से कर्बला तक पैदल जा रहे हैं। कल का दिन था वहां पर अरबाइन का, जिसके अंदर कहा जाता है कि 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक जायरीन दुनिया के हर कोने कोने से ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए गए और लबैक या हुसैन है। तो उसी तरह से जो लोग कर्बला जा नहीं सके वो लोग सारी दुनिया में छोटे छोटे खबरों से लेके शहरों तक ये मनाते हैं कि आज अरबाइन है, कर्बला नहीं पहुंच सके, कभी अपनी अपनी जगह पर अपने अपने मुकाम पर जो है ये जुलूस सारी दुनिया में हो रहा है अरबाइन का, ये अरबाइन का जो है ये सिलसिला दाखिला मतलब चलते रहेगा इंशाल्लाह। जिस दिन से यहाँ पर बेंगलुरु में सीएम का वायदा हुआ है तकरीबन 150 साल से कंटिन्यू हो रहा है,
जहाँ पर अलीपुर है 250 साल से बहुत शहरी नगर है, हर जगह जो कोई नाम होगा तो सारे हर जगह पर बिदर है, हर जगह जो पर सिंपुर है, हर जगह उनके पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं। बेंगलुरु में पायदल में चलने लगा था, यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, हर जगह के लोग यहाँ पर रहते हैं, इस प्रोसेशन में जो है शामिल होते हैं और खरीदे खरीद देते हैं। बस मजालिस होते हैं, आप आए थे देखे थे, काफी मजबा था, बाद में भी मकानी जुलूस थे मजालिस होते थे और यहाँ पर भी गया 11 बजे से 12 बजे तक से भी, उसके बाद सुबह में 11 बजे से लेके पौने 1 बजे तक मस्जिद से भी, उसके बाद सुबह से दोहरे अदा करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ज्यारत है अरबाइन की पढ़ाई जाती है, पूरा आज भी पढ़ाई गई, उसके बाद माता मंदिर खत्म शुरू होगा और शिया आरामगाह तक सिलसिला चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حسين مني وانا من حسين اسد اسلام کو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, یعنی حسین جو نواسا رسول ہیں جن کو مباہلہ کے آیا ہے مباہلہ کے ذیل میں پیغمبر اسلام نے اپنے بیٹوں کے عنوان سے حسن اور حسین علیہ السلام کو میدان مباہلہ میں لے گئے, اسی حسین کو बड़ी मजलूमाना तरीके से बहुत ही दर्द तरीके से बहुत ही मुसीबत को आलम के साथ बहुत ही जुल्म खाते हुए 10 मुहर्रम को करबला मोहल्ला में आपको शहीद कर दिया गया। यहाँ तक के मुसलमानों में मैयत का एहतराम किया जाता है लेकिन शहादत हुसैन के बाद उनके लाशों पर घोड़े तक दौड़ाए गए और घोड़ों के पापों से उनके लाशों का पामाल किया गया, इसके अलावा अहले हरम को कैदी बनाकर ले जाया गया करबला से कूफा और कूफा से शाम तक ये कैदी बनाकर असीर बनाकर ले जाया गया, तो इसके बाद फिर कैद जिंदा ने शाम में उनको कैद कर दिया गया, जब कैद कर दिया गया तो फिर वहां पर खुतबात के जरिए से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और हजरत सैयद सज्जाद जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं उन्होंने खुतबों के जरिए से नशो इशाद और अपनी पहचान करवाई कि वो कौन है, क्योंकि शाम के लोगों में इस कदर सियासत के जरिए से अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के नाम को और खासकर मौलाए पश्मीना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम को ऐसे खराब किया गया था उनकी पॉलिसियों के जरिए से कि लोग उनके जात से पहचानने से दूर हो चुके थे कि ये अहले बैत रसूल है। तो अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम ने दरबार शाम में जब खुतबा दिया तो खुतबे के दौरान जब खलबली मच गई, लोगों में पहचान हो गई कि मैं मक्का और मीना का फर्जंद हूँ, मैं कूफा जमजम का बेटा हूँ, और इस तरीके से जब उन्होंने बताया कि मैं फातिमा का बेटा हूँ यानी मोहम्मद का बेटा हूँ, अली का बेटा हूँ, जाफर तैयार हम में से हैं, हजरत हमजा जो शहीद कहलाते हैं वो हम में से हैं, तो लोगों में पहचान हुई कि ये अहले बैत रसूल इस्लाम से खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तो फिर इसी दरमियान में जो है यजीद ने आजान कहलवाई कि जब वो बेमौका आजान थी, वक्त ही नहीं हुआ था, फिर भी सैयद सज्जाद ने खामोशी के साथ आजान को सुना, अल्लाह अकबर जब कहा तो अल्लाह अकबर दोहराया, यहाँ तक ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जब आया तो फिर रोक कर कहा कि यजीद बता दे कि ये मोहम्मद के जिनका नाम आ रहा है ये कौन है, तो बताया अगर तू कहेगा कि ये तेरे जद हैं, तेरे नाना हैं तो तू झूठा है, अगर ये मेरे नाना है तो फिर उनकी मुकद्दस हस्तियों को तू कैद करके क्यों रखा है, जब पूछा तो फिर इसी तरीके से लोगों में शाम के लोगों में बेदारी हुई तो उन्होंने आजाद किया। फिर जनाब ज़ैनब ने कहा कि हम पहले करबला जाएंगे ताकि अपने भाई का कि जो 10 मुहर्रम को शहीद कर दिया गया था उनका मातम करेंगे, चहलुम मनाएंगे, अरबईन मनाएंगे और ज़ियारतगाह बनाएंगे वहां पर। तो फिर जनाब ज़ैनब अपने इस काफिले को लेकर सालारी काफिले सालार सैयद इमाम ज़ैन अलाबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम हैं यानी हुसैन के फर्जंद हैं, वो आते हैं, फिर आज यौम अरबईन के मौके पर वहां पर ज़ियारतगाह बनाते हैं और ज़ियारत करके हुसैन की फिर वहां से मदीना की तरफ रुखसत होते हैं। इसी को हम मद्देनजर रखते हुए सारी कायनात में यौम अरबईन मनाते हैं और दुनिया भर में पैगाम देते हैं कि हुसैन जो नवासे रसूल है उनका मकसद ता कयामत तक बाकी रहेगा कि जब तक ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा इंसानियत के लिए भी हिदायत होगी कि आज दुनिया भर में देख रहे हैं कि 3 करोड़ से ज्यादा अफराद, ये तो लीगली बताया गया है कि जो वीजे के साथ जो कानूनन आते हैं
उनके जरिए से बताया गया है कि यहाँ पर इतने लोग जमा हुए हैं, वाइल्ला बॉर्डर खोल दिए जाते हैं अतराफ के बाज इलाकों के, वहाँ के लोग भी वहाँ चले जाते हैं, तो इनके काफी तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर ना सिर्फ शिया, ना सिर्फ मुहिब अहले बैत, बल्कि वहाँ पर ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले, हिंदू मजहब से या अलग अलग मजाहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी वहाँ इकट्ठा होकर देखते हैं, और मीडिया भी वहाँ पर बहुत सारी जाती है, देखती है, मुजाहरा करती है अपने आंखों से कि इतना ज्यादा इज्तम वहां पर होता है। तो बताना मकसद ये है कि हुसैन का मकसद कि जब जो यजीद हुसैन को मिटाना चाह रहा था, आज वो देख ले दुनिया भर में यजीद, आज बाज अफराद ऐसे भी हैं कि यजीद को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में ये वाजे कर दिया गया कि यजीद जो है नापाक था, जो नवासे रसूल पर जो है उसने जुल्म ढाया था। आज मकसद हुसैन इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा और कयामत तक इसी अंदाज में अरबईन और आशुरा की शक्ल में पैगाम हुसैन मजलिसों की शक्ल में जिसकी बुनियाद जनाब ज़ैनब ने डाली है, इस सिलसिले से ये जाता रहेगा। इसी वजह से दुनिया भर में जहां पर भी शियान हैदर कर्रार जिंदगी गुजार रहे हैं, मुख्तसर ही अंदाज से क्यों ना हो आज के दिन यौम अरबईन चहलों में इमाम हुसैन के नाम से ज़ियारत अरबईन पढ़ते हुए, क्योंकि रिवायत और हदीस में बयान किया गया है कि हदीस में है ये रोजे अरबईन ज़ियारत अरबईन पढ़ना मोमिन की निशानियों में से एक निशानी है, लिहाजा आज हम ये एहतमाम करते हैं। वस्सलाम अलैकुम। मौलाना सैयद रजा आगा रिज़वी, मैं पोतनहल्ली से ताल्लुक रखता हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ। अगर निकल रहा है तो सबसे पहले फरमाती है जनाब ज़ैनब, क्या बेटा सज्जा तमाम जंजीर जनी मातमदार से गुजारिश है कि वो नौजवान के पीछे आ जाए। हुसैन हुसैन बेटी अली की तुर्बत ज़ैनब से करबला का जरा माजरा सुनो, ज़ैनब से करबला का जरा माजरा सुनो, ज़ैनब से करबला का जरा सुनो, ज़ैनब से हुसैन की अम्मा बोबो, ज़ैनब से करबला का जरा माजरा सुनो। Oh,
बसाना है देखो, बसाना है देखो मोहम्मद का कैसा Thank you.